दोस्तों कुछ एक मूवीज ऐसी होती हैं जो कि ना ही आपको सिर्फ सोचने पर मजबूर कर देती हैं बल्कि कुछ समय के लिए अंदर से झंझोड़ कर रख देती हैं। एंड ठीक ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला मुझे जब मैंने फाइनली नेटफ्लिक्स पर देखी विजय सेतुपति अनुराग कश्यप स्टारर महाराजा मूवी। कसम से डार्क और इंटेंस जैसे शब्द काफी छोटे से फील हो रहे हैं इस मूवी को डिस्क्राइब करने के लिए। ऐसी पिक्चर ह्यूमन लाइफ का एक ऐसा डार्केस्ट चैप्टर एक्सप्लोर करते हुए नजर आती है जिसको कभी भी कोई अपनी लाइफ में सपने में भी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहेगा। ये मूवी एक प्यास की तरह है जिसको तुम जितना ज्यादा फील करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारे आंसू टपकेंगे। एंड हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम ऑफ महाराजा जिसने ना ही सिर्फ ऐसा कुछ सोचा बल्कि उसको उतना ही परफेक्शन के साथ सिनेमा के मीडियम से हमारे सामने प्रेजेंट भी किया। पिक्चर की सिनेमाटोग्राफी एंड बीजीएम इज टॉप नॉच, मतलब कि स्टार्ट से लेकर एंड तक ऐसा माहौल बनाकर चलती है ये मूवी कि आपको हर एक सीन में एक अजीब सी टेंशन और मिस्ट्री सी फील होने लगती है। ये मूवी एक ऐसा अनयूजुअल एक्सपीरियंस है कि जिसको देखते समय आई कैन गारंटी यू आप चाहकर भी कुछ और सोच ही नहीं पाओगे। अपने पहली फ्रेम से ये इस तरीके से आपको ग्रिप कर लेती है कि आगे बढ़ते बढ़ते आप इसके हर एक इमोशन के साथ पूरी तरीके से जुड़ते चले जाते हो। एक सिंपल से डस्टबिन की कंप्लेंट से शुरू हुई कहानी एक ऐसे भयानक और डरावने मोड़ पर जाकर खत्म होती है जिसका आप दूर दूर तक अंदाजा ही नहीं लगा पाओगे भले ही आप कितना भी हाई आईक्यू वाले इंसान क्यों ना हो। एंड वो फाइनल ट्विस्ट इतना ज्यादा शॉकिंग है कि कुछ टाइम के लिए आपका दिमाग एकदम सुन पड़ जाएगा एंड एकदम से इतना हैवी फील करने लगोगे कि हवा खाने के लिए सीधा अपने घर की बालकनी की तरफ दौड़ोगे। एंड जितनी ज्यादा शॉकिंग ये मूवी उतने ज्यादा हॉन्टिंग एंड टेरिफिक इसके परफॉर्मेंसेस जहां पर विजय सेतुपति जो कि एक्टिंग का अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है उन्होंने एक बार फिर यहां पर भी अपनी क्लास दिखाई है एंड मुंह तोड़ जवाब दिया है हर उस इंसान को जो कि इनको सेम वुडन एक्सप्रेशन इन एवरी सीन वाला एक्टर बोलते हैं। जिस तरीके का काम उन्होंने इस पिक्चर के अंदर किया है ना वो वर्ड्स में एक्सप्रेस करने वाला नहीं बल्कि खुद एक्सपीरियंस करने वाला है। इजिली हिज करियर बेस्ट अंटिल नाउ। इसके अलावा जो मूवी के अंदर असली सरप्राइज फैक्टर निकलकर सामने आया है वो है अनुराग कश्यप का परफॉर्मेंस। स्पेशली इस बंदे ने जिस तरह से क्लाइमेक्स के अंदर एक्ट किया है ना दैट विल मेक यू स्पीचलेस। दैट एंटायर सीन जो कि अनुराग के ऊपर पिक्चराइज्ड है इज फुल ऑफ पेन एंड ट्रॉमा एंड कश्यप ने उतना ही ज्यादा बखूबी तरीके से उस सीन को ओन किया है। सीरियसली इस मूवी में इनका परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अनुराग को अब डायरेक्शन को साइड में रखकर पूरी तरीके से एक्टिंग के ऊपर ही फोकस रखना चाहिए। मूवी के अंदर ढूंढने पर भी मेरे को ऐसा कोई खास फ्लॉ नहीं दिखा एंड अगर कहीं पे कोई कमी पेशी है भी तब भी मुझे परवाह नहीं एज मेरे लिए तो पर्सनली एक ऐसा परफेक्ट मास्टरपीस है जैसे बॉलीवुड तो क्या हॉलीवुड को भी छूने की कोशिश नहीं करनी चाहिए इसका रीमेक वगैरह करने के लिए। तो बस आज के रिव्यू में इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खुशहाल के विचार।